जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वेबसाइट को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि वेबसाइट क्या होती है। दोस्तों उस वीडियो को आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया और उसी की बदौलत आज उस पर 30,000 से ज़्यादा व्यूज उस पर कम्प्लीट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में उसी को हम कंटिन्यू करते हुए ये जानेंगे कि वेबसाइट्स कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि वेबसाइट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे पहला टाइप आ जाता है वेबसाइट्स का, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट्स बेसिकली वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि जिनका जो एम होता है वो ये होता है कि वो अपने कह सकते हैं प्रोडक्ट को पब्लिकली सेल आउट करना चाहती हैं ऑनलाइन तरीके से। दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको आज अमेजोन कंपनी देखने मिलती है, जहाँ से आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ शॉपिंग किया होगा। इसके अलावा इंडिया में अगर आप रहते हैं तो आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, आपने शॉपक्लूज का नाम सुना होगा, मिंत्रा, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं ये सारी हमारी वेबसाइट्स ई कॉमर्स कैटेगरी के अंदर आती हैं, जो कि अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए, ऑनलाइन सेल आउट करने के लिए जानी जाती हैं। अब जो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी दूसरी कैटेगरी आती है वेबसाइट्स की, उसको हम कहते हैं मीडिया वेबसाइट्स। ये वेबसाइट्स फ्रेंड्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिनके थ्रू आपको न्यूज मिलती है, जिनके थ्रू आपको अगर दुनिया में कहीं भी कुछ घटना घट रही है, कोई न्यूज वहां पर निकल के आई है, ये सारी जानकारियां आपको उन वेबसाइट्स के थ्रू मिलती हैं। जैसे अगर आप रिसेंट में देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान ने जो कब्जा किया है उसको अगर आप किसी भी न्यूज वेबसाइट पर देखेंगे तो वो फ्रंट पेज पर आपको दिखाई देगा, मेन हेडलाइंस में वो कहीं ना कहीं चल रहा होता है इस समय। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी आज हमारी वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारा इंडिया टुडे हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, द हिंदू हो गया, ये हमारी कह सकते हैं मीडिया वेबसाइट्स की कैटेगरी में आती है, जो कि आपको रियल टाइम इंसिडेंट्स को दिखाती हैं और जो लेटेस्ट न्यूज होती है उसको कहीं ना कहीं आपको दिखाने का काम करती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी तीसरी कैटेगरी आती है वेबसाइट्स की, उसको हम कहते हैं ब्लॉग वेबसाइट। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉग वेबसाइट बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसको कोई भी पर्टिकुलर कह सकते हैं इंडिविजुअल चला सकता है। उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीटली नॉलेज या इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है। मान के चलिए यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा कि इंडिया में अगर आप रहते हैं तो एक वेबसाइट है hindimi.in। जी हाँ दोस्तों, hindimi.in अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे और इस वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो जो भी टॉपिक आप यहां पर क्लिक करेंगे उसकी सारी जानकारी, उसकी लेटेस्ट जानकारी आपको उस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगी, उस ब्लॉग के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके की वेबसाइट्स आपको नॉलेज देने का काम करती हैं। जो फोर्थ कैटेगरी आती है वेबसाइट्स की, उसको हम कहते हैं पोर्टल वेबसाइट्स। जी हां दोस्तों, ये वेबसाइट्स बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको कलेक्टिव यानी कि एक साथ बहुत सारी सर्विसेज को आप एक पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वो वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपने जो आधार कार्ड आपके पास है उसके सारे के सारे कामों को आप उस एक सिंगल वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। फिर चाहे आपको आपका आधार नंबर पता करना हो, आपका आधार अपडेट करवाना हो, उसमें किसी भी तरीके का अपडेट जैसे एड्रेस अपडेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो गया, कोई चेंज आपको कराना है, आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है, ये सारे के सारे काम आप एक सिंगल वेबसाइट जिसका नाम है UIDAI इस पर इजीली आप कर सकते हैं। उसी तरीके से एक वेबसाइट है sarkaririzult.com। जी हां दोस्तों, ये वेबसाइट है जिसका यूज करके अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं वो यहां कर सकते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की कैटेगरी यहां पर आपको दी जाती है। इसके एडमिट कार्ड जो आते हैं हमारे वो यहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाता है वो भी यहां आप इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों आप कह सकते हैं जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है सर्विसेज की वो एक वेबसाइट पर जब दी जाती है तो उस तरह की जो वेबसाइट होती है हम उसको कहते हैं पोर्टल वेबसाइट। अब दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी और जो हमारी फिफ्थ कैटेगरी आती है वेबसाइट्स की, उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स। जी हाँ दोस्तों, इन वेबसाइट्स का आप सभी आज यूज करते हैं। ये वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिन पर जाकर आप सोशली कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से आप कनेक्ट हो सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, आप किसी के फोटोज वीडियोज को देख सकते हैं, सोशल कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो
सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने मिलता है वो है फेसबुक का। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक का एप्लीकेशन भी आपने कभी ना कभी यूज किया होगा, उसकी वेबसाइट भी आपने कभी ना कभी यूज की होगी। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, हमारे कह सकते हैं यूट्यूब हो गया, जो कि बहुत ही बड़ा कह सकते हैं वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है आज के इस टाइम में। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म चाहिए हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, इन सभी की एक अपनी वेबसाइट है। इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट्स कितने टाइप की होती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे, हमसे कुछ नॉलेज मिले, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।